बोले कि सर मेरे से भी यही गलती हो रही थी कि मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं दूसरे के काम के अंदर जाकर कोई ना कोई चीजें उंगली करता था। हमारे से बेहतर भी हमारी टीम के अंदर लोग होते हैं लेकिन हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, अथॉरिटी नहीं देते, इसलिए उनका जो परफॉर्मेंस है वो बाहर नहीं आता। अपनी फैमिली के साथ में कभी 2-4-10 दिन के लिए बाहर जाना हो तो जा सकते हैं। मैं आज एग्जीबिशन में जाता हूँ, ट्रेड फेयर में जाता हूँ, अपने कॉम्पिटिटर को मिलने जाता हूँ, उसका HR का पूरा सिस्टम बना होगा तो आपके वहाँ पर चोरी होने के या दूसरी कोई भी चीज़ होने के चांसेस है ही नहीं। सर मेरे क्लाइंट का क्वेश्चन है कि जब हम कंसल्टेंसी करते हैं तो कई बार क्लाइंट माइक्रो मैनेजमेंट में चलते हैं, जैसे कि टीम मेंबर के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसके ऊपर है, या फिर कुछ पैसे बचाने के चक्कर, इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि उनको बोलते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो स्टाफ को कुछ परचेस करने की, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं वो ज़्यादा महंगा लेके आएंगे मेरे स्टाफ, या फिर कुछ गलती कर देंगे मेरे स्टाफ, तो वो बहुत माइक्रो मैनेजमेंट में उलझ के रह जाते हैं। तो सर उनका एक क्वेश्चन है कि ये अगर माइक्रो मैनेजमेंट है तो ओनर का टास्क क्या होना चाहिए? तो आपके क्लाइंट का क्वेश्चन ये है कि माइक्रो मैनेजमेंट ना करके क्या किया जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बिजनेसमैन का माइक्रो मैनेजमेंट करना, और वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास आगे क्या करना है क्लैरिटी नहीं होती है। जैसे समझो कि मैंने एक टारगेट लिया था, मुझे एक शोरूम चालू करना है और मेरा बिजनेस हर महीने का इतना होना चाहिए, ठीक है। अब मेरा वो टारगेट पूरा हो रहा है और अब मैं सारी तरीके से मेरी चीज़ें कंप्लीट कर रहा हूँ, तो अगर आगे का मेरा विज़न ही नहीं है कि भाई एक स्टोर इतना चलने के बाद मुझे क्या करना है, तो मैं क्या करूँगा, माइक्रो मैनेजमेंट जाऊँगा। फिर वो छोटी छोटी चीज़ें मैं ध्यान रखूँगा, ये इधर क्यों पड़ी है, वो उधर क्यों पड़ा, वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, और फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैं काम करता हूँ मेरा स्टाफ का हर बंदा सेम तरीके से काम करे। समझो मैं आपको बताता हूँ, हमारे क्लाइंट हैं, बहुत बड़ा उनका बिजनेस था, तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास का उनका बिजनेस है। उनके यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टर्स थे, लगभग 15 डायरेक्टर आसपास में हैं और लगभग 650-700 लोगों की टीम है। तो हम ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग के अंदर मैंने बताया कि भाई एक बिजनेसमैन जो होता है उसका काम होता है कि बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए ऊपर ध्यान दिया जाए, जैसे कि मार्केटिंग ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए, CRM के ऊपर ध्यान दिया जाए, नए आइडियाज़ जनरेट की जाए और मार्केट में क्या नया चल रहा है उसका R&D की जाए, जिसके हिसाब से नया प्लान किया जाए। तो ये होता है, तो ऐसे हमने जब ट्रेनिंग के अंदर ये चीज़ें शेयर की तो वहाँ पे जो ऑनर थे वो खुद खड़े हुए हाथ उठा के बोले सर मुझे कुछ बोलना है। मैंने बोला बोलिए सर। बोले सर मेरे स्टाफ में ज़्यादातर लोग जो है वो मेरे टीम के मेंबर में ज़्यादातर मेरे घर के लोग हैं, राइट। अब घर के लोगों को क्या है, मुझे कोई भी चीज़ें डायरेक्टली बोले में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास में काम ज़्यादा नहीं होता है, मैं फ्री हूँ क्योंकि सबने काम संभाल लिया है, तो मेरे पास काम नहीं तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे के डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पर ऐसे बैठ जाता हूँ। अब मैं वहाँ जाके बैठता हूँ तो जो काम करने वाला बंदा है ना वो मेरे से मुझे देख के थोड़ा सा हेजिटेट होता है, घबराता है और इस चक्कर में वो गलतियाँ करता है और वो सोचता है कि आप इधर मत बैठो, अपनी ऑफिस में जाके बैठो, लेकिन बोल नहीं पाता। तो बोले कि सर मेरे से भी यही गलती हो रही थी कि मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं दूसरे के काम के अंदर जाकर कोई ना कोई चीज़ें उंगली करता था और इसके कारण मेरा काम तो बिगड़ता ही था, उसका काम भी बिगड़ता था। तो आज के बाद में मैं मेरा डिपार्टमेंट जो है उसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वहां का डिपार्टमेंट का बंदा मुझसे कोई हेल्प ना मांगे। मतलब कि जो माइक्रो मैनेजमेंट, कई बार क्या होता है हम स्टाफ के सिर पे जाके बाजू में बैठते हैं और हम बोलते ऐसे कर वैसे कर ऐसे कर, और इस चक्कर में वो जो अपने दिमाग से करने वाला था ना वो भूल जाता है, वो आपके चक्कर में आ जाता है, आपकी बातें सुनने लगता है और फिर वो गलतियां करना शुरू करता है। तो एज अ बिजनेसमैन हमें माइक्रो मैनेजमेंट कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्टाफ को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। जैसे कि अपने ही एक क्लाइंट हैं, उन्होंने बोला है कि 50,000 रुपये के खर्चा करने के लिए कभी मुझे पूछने के लिए नहीं आना। मतलब 50,000 रुपये से नीचे या 50,000 रुपये तक खर्चा करना हो आपको तो मुझसे परमिशन लेने बताना, आप वो कर दो। हाँ 50,000 के ऊपर अगर आपको खर्चा करना है तो मेरे से एक बार बात कर लेना। उन्होंने डेलीगेट किया हुआ है कि आपको पूरी कंपनी के अंदर कुछ खर्चा करना है तो 50,000 तक मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सोचो इससे क्या होता है, इससे ये होता है जो स्टाफ मेंबर है ना वो रिस्पॉन्सिबल बनता है क्योंकि उसको अथॉरिटी भी दी जाती है और वो बेहतर परफॉर्म करता है। किसी बहुत अच्छे बिजनेसमैन ने कहा है कि बिजनेस को ग्रो करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप अच्छे लोगों को लेकर आओ और उनको काम सौंप दो।
अच्छे लोगों को लेकर आओ और उनको काम सौंप दो, अपने रिजल्ट से वो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। मतलब ये है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये काम मेरे से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है एज अ बिजनेसमैन। हमारे से बेहतर भी हमारी टीम के अंदर लोग होते हैं, लेकिन हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, अथॉरिटी नहीं देते, इसलिए उनका जो परफॉर्मेंस है वो बाहर नहीं आता है। तो हमारे जो बिजनेसमैन है, आपके जो क्लाइंट हैं, उनको आप बोलो सर डेलीगेट करना शुरू करो, और एक बार आप डेलीगेट कर देते हो तो डेलीगेट करने के बाद में फिर अपना तरीका आप मत सोचो कि मेरे तरीके से ही काम होना चाहिए, उसको अपना तरीका लगाने दो। और जब आप माइक्रो मैनेजमेंट से निकलते हो, माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब मैं आपको एक और बेहतर तरीके से समझाता हूँ। अपने एक क्लाइंट है, वो पिछले 25 साल से अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं और बहुत अच्छा है, लगभग काफ़ी बड़ा बिजनेस है उनका। 25 साल से उन्होंने अपने फैक्ट्री की चाबी अपने पास रखी हुई है, मतलब वो खुद सुबह में आके अपनी फैक्ट्री ओपन करते हैं, तब बाकी के स्टाफ अंदर जाते हैं। अब समझो, मैंने उनको पूछा, मैंने बोला सर चाबी किसके पास होती है, बोला सर मेरे पास ही होती है, आने वाला सबसे पहला मैं और जाने वाला सबसे लास्ट मैं। मैंने बोला सर ऐसा क्यों, बोले सर कौन जवाबदारी लेगा कि सुबह में चाबी। मैं बोला सर आपकी टीम के अंदर एचआर है, बोले हैं, एडमिन है, बोले हैं, तो आपने उनको क्यों डेलीगेशन नहीं किया, आपने उनको क्यों नहीं ये जवाबदारी दी। तो बोले सर टाइम पर खुलेगा कि नहीं खुलेगा, थोड़ा सा डर रहता है, थोड़ा सा घबराहट रहती है कि भाई कुछ चोरी ना हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब सोचो 25 साल से वो अपनी चाबी खुद लेकर घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो एक दिन भी फैक्ट्री छोड़कर कहीं बाहर जा सकते हैं? क्या अपनी फैमिली के साथ में कभी 2-4-10 दिन के लिए बाहर जाना हो तो जा सकते हैं? क्या नया मार्केट के अंदर कुछ R&D करना है, कोई एग्जीबिशन में जाना है, कोई ट्रेड फेयर में जाना है, तो क्या वो जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो मैंने उनको बोला सर 25 साल से आपने अपनी चाबी फैक्ट्री की अपने पास रखी हुई है, तो ये आपका अचीवमेंट नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है कि 25 साल में आपने अपने टीम में ऐसा कोई बंदा नहीं तैयार किया जो आपकी चाबी संभाल सके। और उसकी वजह है आपकी सोच, उसका माइंडसेट। और उस दिन से हमने HR को तुरंत बुलाया, मैंने बोला ये आपकी जवाबदारी, कौन फैक्ट्री खोलेगा वो आप देख लो, कि सर फैक्ट्री कल से नहीं खोलेंगे। वो दिन और आज का दिन है, उन्होंने वो चाबी छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने बहुत अपना फैक्ट्री ही बड़ा बना लिया, बड़ी फैक्ट्री बना ली, बिजनेस बड़ा कर लिया और बहुत सारी चीज़ें कर ली। मैंने बोला सर कैसे हुआ, बोला सर जिस दिन से वो चाबी हमने छोड़ी ना, तो फिक्स जो रोज़ फैक्ट्री पर आना होता था ना, वो हमारा कंटिन्यू जो था वो ब्रेक हो गया। फिर तो हम फैक्ट्री पर रिक्वायरमेंट है मेरी तो ही आता हूँ, मैं आज एग्जीबिशन में जाता हूँ, ट्रेड फेयर में जाता हूँ, अपने कॉम्पिटिटर को मिलने जाता हूँ, मार्केट में क्या नया आया है वो देखने जाता हूँ, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है वो देखने जाता हूँ। ये सारी चीज़ों के ऊपर जब से मैंने फोकस करना शुरू किया, मेरा बिज़नेस ग्रो होना शुरू हो गया। तो माइक्रो मैनेजमेंट एक बिजनेसमैन के लिए अभिशाप है, और जब तक एक बिजनेसमैन माइक्रो मैनेजमेंट करता है ना, तब तक वो कंपनी को ग्रोथ नहीं कर सकता। अब माइक्रो मैनेजमेंट करता क्यों, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह होती है डर, समझो। और डर किस चीज़ का, डर एक ही चीज़ का कि यार मेरी कंपनी के अंदर कुछ चोरी ना हो जाए, मेरी कंपनी के अंदर कुछ गलत ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ना हो, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा सिस्टम। आपके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम होगा, आपके पास SOPs होंगे, सबके काम डिवाइडेड होंगे, आपके रूल्स बने होंगे, पॉलिसीज बने होंगी, ये सारी चीज़ें होगी, आपका HR का पूरा सिस्टम बना होगा, तो आपके वहाँ पर चोरी होने के या दूसरी कोई भी चीज़ होने के चांसेस है ही नहीं। तो अगर आप सिस्टम बनाओगे तो सिस्टम के जरिए आप माइक्रो मैनेजमेंट से निकल सकते हो, और जिस दिन आप माइक्रो मैनेजमेंट से निकल गए उस दिन आपके कंपनी का ग्रोथ होगा। जरा सोचो, जो बंदा 100 फ्रेंचाइजी के स्टोर चलाता है या जो 100 आउटलेट चलाता है, क्या लगता है वो हर आउटलेट के ऊपर ऐसे ही बैठता होगा, ऐसे माइक्रो मैनेजमेंट करता होगा? नहीं। तो जो 100 आउटलेट चलाता है ना, वो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता है। तो अगर आपको भी 100 आउटलेट चलाना है तो माइक्रो मैनेजमेंट से बाहर आना पड़ेगा। ये चीज़ आपके क्लाइंट को बताओ। ओके।